69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बहुत बड़ी अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी सामने आई, जहां मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। जहां आपको बता दें कि फैसले की स्टडी के लिए वक्त चाहिए सुप्रीम कोर्ट। जहां बहुत बड़ी अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। तो वही आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार बहुत दिनों से कयास लगाए जुड़ रहे थे कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से 69,000 शिक्षकों को ये उम्मीद थी कि जल्द से जल्द उनकी जो नौकरी है वापस मिल जाए, बहाली हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कोर्ट की तो जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने में सरकार जवाब दे, 3 महीने में। यूपी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अगर बात की जाए तो वही जनरल कास्ट जो है, जनरल कास्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने अंततो गत्वा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और 23 सितंबर को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। बिल्कुल राजेश, जिस प्रकार से लेकिन 69,000 शिक्षक लंबे अरसे से जिस प्रकार से आप देख रहे थे हर मंत्री के घर का घेराव करते हुए नजर आ रहे थे, बहुत आस थी हाई कोर्ट के फैसले से, कहीं ना कहीं तगड़ा छटका माना जा रहा है इसे। देखिए, अगर बात करें हाई कोर्ट की तो जहां तक 69,000 भर्ती का मामला है, तो 69,000 भर्ती में जिस तरीके से जो अभ्यर्थी थे, कहीं कहीं वो 4 साल से लगातार वो इंतजार कर रहे थे और 4 साल के बाद वो लगातार उत्तर प्रदेश में सभी मंत्रियों के घर पे धरना दे रहे थे, आवास पे, और वहीं अगर बात करें डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पर भी गए, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया, किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं की गई। अंततो गत्वा यही हुआ, जो डर था अभ्यर्थियों को वही हुआ, लास्ट में मामला अब सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। जिस प्रकार से अभ्यर्थी इको गार्डन में एकत्रित नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ योगी सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, अब तो प्रदर्शन दोगुना हो सकता है इस फैसले के बाद। राजेश, बिल्कुल, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि वो 4 साल से चल रहा था और 4 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए मामला हुआ है, कहीं कहीं मामला हाई कोर्ट ने आदेश किया था यूपी गवर्नमेंट को कि भर्ती को फाइनल किया जाए, लेकिन जिस तरीके से हीला हवाली अगर देखा जाए यूपी गवर्नमेंट तरफ से की जा रही थी, तो अब जनरल कास्ट के जो अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी हाई कोर्ट के आदेश पर। अब इस पर 23 सितंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। कानपुर कलिंद्र ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई। जी हाँ, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां साजिश में मिठाई के डिब्बे में बारूद मिले हैं। बहुत बड़ा खुलासा सामने आया, जहां आपको बता दें कि कन्नौज छिबरामऊ सियारा स्वीट्स का डिब्बा बताया जा रहा है, जहां कानपुर कलिंद्री ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई थी। साजिश में मिठाई के डिब्बे में बारूद मिला है। कन्नौज छिबरामऊ सियाराम स्वीट्स का डिब्बा पाया गया है और जिसमें बारूद मिला है। जिसमें मिठाई का डब्बा मिला है, तो वही एक और बड़ी अपडेट राजधानी लखनऊ से सामने आई। दरोगा ने मृत व्यक्ति का चालान किया। पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया, 3 साल पहले मरने वाले शांति का चालान किया गया। पुलिस ने न्यायालय को भी रिपोर्ट भेजी है, न्यायालय में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है।
मृतक के परिजनों ने उच्च अधिकारियों से मामले में शिकायत की है। दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी गई है। पुलिस कमिश्नरेट के रहीमाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दरोगा ने मृत व्यक्ति का चालान कर दिया है, तो जिसके बाद परिजन काफी परेशान हुए उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले में रिपोर्ट की। शांति भंग में चालान किया गया है। पुलिस ने न्यायालय को भी रिपोर्ट भेजी है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।